ओम विद्योदाम समा प्रभाम रघुपतिम स्कंधस्थिताम भीषणाम कन्याभिकरवालकेट विलसत दस्ताविरा सेविताम हस्तये चक्रगदा शिखेट विशिखाम चापम गुणम तर्जनिम विभ्राण मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। नवरात्र में मां भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। अष्टम स्वरूप जो है वो भगवती का महागौरी स्वरूप कहा जाता है। कौन सा स्वरूप भगवती का महागौरी स्वरूप है, इसके लिए शास्त्र में अनेक कथाएं निर्णित है। कैसे विभिन्न स्वरूपों का निर्माण हुआ, किस किस कारण से, कब कब कहां, कैसे कैसे, ये नहीं कि ऐसे ही नाम लिख दिया गया। हर नाम की एक कथा शास्त्र में वर्णित है, उसका मंत्र है, उसके नियम पूजा पाठ के विधियां हैं शास्त्र में वर्णित। कहा जाता है कि पंचम अध्याय दुर्गा सप्तशती का यदि पंचम अध्याय पढ़े तो वहां विशेष तौर पर उसकी पूरी कथा वर्णित है, किस प्रकार से मां भगवती का ये स्वरूप उद्भव हुआ शास्त्र के अंदर, उसके लिए पूरी कथाएं बताई गई हैं। कहा जाता है कि मां भगवती विशेष तौर पर जब शुंभ निशुंभ इस संसार में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे, समस्त देवताओं को उन्होंने स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था और पूरे विश्व में उनका, पूरे त्रिलोकी में उनका राज्य स्थापित था, तब देवता जगह जगह भटक रहे थे। तब उनको याद आया कि मां भगवती ने महिषासुर का जब विशेष तौर पर वह संहार किया था, तब आशीर्वाद प्रदान किया था कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे अस्तवन करना, मैं अवश्य आपके कष्टों का संहार करने के लिए अवश्य उपस्थित होंगी। तब देवताओं ने नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृतये भद्राय नेता पंडता स्मतां रुद्रय नमः नित्यै गौरी धात्रय नमो नमः ज्योत्स्ना चिदिर रूपिणी। इस प्रकार से दुर्गा जो देवी सूक्त है इसके द्वारा भगवती का स्तवन किया। जब वो भगवती का स्तवन कर रहे थे इसी स्तोत्र के द्वारा, तो दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में कथा आती है हिमालय के ऊपर कि वहां पार्वती जी स्नान करने आईं। जब पार्वती जी स्नान करने आईं तब भगवती पार्वती ने पूछा उनसे, हे देवताओं तुम किनकी स्तुति कर रहे हो। कहा जाता है कि उसी वक्त जब देवता स्तुति कर रहे थे, भगवती पार्वती जी ने आके ये प्रश्न किया, तो भगवती पार्वती के स्वरूप से एक तेजोमय प्रकाश निकलकर आकाश मार्ग में उपस्थित हुआ और उन्होंने कहा, ये देवतागण मेरी स्तुति कर रहे हैं, मां भगवती आपकी स्तुति कर रहे हैं। और जैसे ही वो स्वरूप भगवती के शरीर से अलग हुआ तो जो श्वेत रूप प्रकाशमय पुंज स्वरूप जो भगवती का स्वरूप था, तेजमय महागौरी स्वरूप जो था, वो वहां उपस्थित हुआ। भगवत दिव्य स्वरूप कहा जाता है। वृषभ नंदी पर आरूढ़ चार हाथ भगवती के, और त्रिशूल हाथ में भगवती के, एक हाथ में डमरू और खास में एक हाथ वरद मुद्रा में, एक हाथ अभय मुद्रा में, यह भगवती का स्वरूप है। और श्वेत वस्त्र धारण करती हैं भगवती, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले, समस्त शक्तियों के संपूर्ण भगवती हैं। ऐसे में उनका स्तवन हुआ। कहा जाता है कि जो भगवती पार्वती का स्वरूप था, जहां से वो स्वरूप निकलकर आकाश मार्ग में उपस्थित हुआ था, वो काला पड़ गया, महाकालिका के रूप में स्थित हो गया। तो ऐसा भगवती का दिव्य स्वरूप वहां वर्णित शास्त्र में कहा जाता है। कहा जाता है कि इनका स्तवन करने के लिए महाअष्टमी के दिन देवी सूक्त का पाठ कर उसी के द्वारा मां भगवती का हवन करें, उसी के द्वारा संपूर्ण पूजन करें मां भगवती का। गंगा जल से भगवती का स्नान कराएं, दूध से भगवती का स्नान कराएं, खीर के जो विशेष तौर पर जो खास पकवान बनाकर, इत्यादि दूध से बने हुए पकवान बनाकर मां भगवती को अर्पित करें, आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। मंत्र तो हमने बता ही दिया, नमो देवी महादेवी शिवाय स्तना नमः प्रकृति भद्राय नेता पंडता स्मतम, इस प्रकार से पूरा स्तोत्र है। इसके द्वारा पाठ करने का प्रयास करें, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बड़े सुंदर तरीके से शास्त्र में इन सब नियमों का वर्णन किया गया है। आप इन सबको अपने जीवन में अपनाकर, और एक बात का ध्यान रखें, इस दिन कन्या पूजन विशेष तौर पर करना चाहिए। परंपरा है भारतीय संस्कृति में कन्या पूजन करने की। एक बात और ध्यान रखिए, तो वो अवश्य करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार से, तो बड़ा कल्याणकारी होगा। नवरात्र है, बहुत सारे लोग भ्रांतिवश एक गलत काम कर लेते हैं कि कोई सप्तमी पूज के खत्म कर देता है, कोई अष्टमी पूज के खत्म कर देता है। नवरात्र है भाई, नौ दिन पूजन करने का नियम है। बहुत सारे लोगों ने जल्दी जल्दी खत्म करने के नियम में कोई कहते हैं हमारी परंपरा अष्टमी, आप बिल्कुल करें अष्टमी को पूजन करें, लेकिन नवरात्र का आख्यान, नौ दिवस का पूजन करने का आख्यान है। यदि आप पूर्ण नवरात्र का लाभ चाहते हैं तो व्रत का पालन नव दिवस तक है।
आपने नौ सिद्धिदात्री का दिन है जिसमें सिद्धि प्राप्त होनी है संपूर्ण प्रकार से, वो तो आपने छोड़ ही दी, तो वो भी दिन नव आप आने वाले एपिसोड में हम नवरात्र की अंतिम दिवस पर ही बात करेंगे जो सिद्धिदात्री का दिवस है। तो इस माँ भगवती का ध्यान करते, स्वरूप का ध्यान करते हुए आप अवश्य इन सब कार्यों को करने का प्रयास करें, कन्या पूजन करें, कन्याओं का आशीर्वाद लें, आठ कन्याओं का पूजन भोजन कराने की व्यवस्था बने नौ कन्याओं का, तो विशेष रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, आपके जीवन में कल्याण हो, आपके जीवन में मनोकामना सिद्धि हो, और साथ साथ आप इन समस्त यज्ञों में भी भाग ले सकते हैं जो हमारे आश्रम में यज्ञ के नियम बनाए गए हैं नवरात्र के अवसर पर भगवती के को पसंद करने के लिए, ये भगवती के सानिध्य में जो वैष्णवी देवी भगवती का श्री विग्रह जो है मुल्तान से 1947 में हमारे आश्रम में अवतरित हुआ और यहाँ प्रतिष्ठित हुआ, और उससे पहले बहुत बड़ा विशाल मंदिर वहाँ पाकिस्तान के अंदर इनका रहा जो 400-500 साल पहले से प्रतिष्ठित रहा, और ऐसे दिव्य स्वरूप का माँ भगवती का सानिध्य में जो लोग यज्ञ करते हैं उनके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हमने सहस्त्र चंडी का सुंदर आयोजन विवेकानंद योग आश्रम में किया है, आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। नियम जानने के लिए इन फोन नंबर से फ़ोन करें, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, मनोकामना पूर्ण होगी। धन्यवाद।